हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास ऑफ सिंथेसिस। गाइस, सिंथेसिस की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अर्थात किस प्रकार से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में कई सारे रूल पढ़ चुके हैं, रूल 4 तक हमने उसमें पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल 5, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अब हमको जानना ज़रूरी है गाइस कि ये फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है। तो जानते हैं, अपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड। याद रखिएगा गाइस, अपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड। और इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। याद रहेगा, किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। और जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में होता है उसे दो कॉमास के बीच में रखा जाता है। क्या जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में होता है क्या जो नाउन या फ्रेज साइड बाई साइड होता है अर्थात अपोजिशन में होता है उसे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखते हैं। चलिए जैसे समझ लेते हैं, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है, कोलंबस वाज अ फेमस सेलर। कोलंबस एक महान सेलर था, नाविक था। ही वाज एन इटालियन, वह एक इटालियन था। और ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका को डिस्कवर किया। ये तीन सेंटेंस लिखे हुए हैं आपके सामने, इन तीनों को आपको कंबाइन करना है गाइस। सेपरेट में क्वेश्चन लिखा जाता है और कंबाइन में उसका कॉम्बिनेशन करके या कंबाइन करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कंबाइन करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था, फ्रेज इन अपोजिशन। अच्छा, एक शब्द बनता है, एक क्वेश्चन बनता है, फ्रेज क्या होता है। फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज बनता है, अर्थात शब्दों के समूह से फ्रेज बनता है। आप जानते हैं, जैसे यहाँ पर फ्रेज क्या है आपका, अ फेमस इटालियन सेलर, ये हमारा फ्रेज है। अब हमने क्या बोला, इसको कॉमा और हमने क्या जाना, इसको कॉमा के बीच में रखते हैं इसको। अर्थात अपोजिशन का मतलब ही होता है साइड बाय साइड, अर्थात दोनों के बीच में हमको अपोजिशन या दोनों के बीच में हमको फ्रेज रखना होता है। तो कोलंबस एक इधर हो गया और डिस्कवर्ड अमेरिका इधर हो गया, बीच में क्या बच रहा है, ध्यान से समझिएगा। कोलंबस इधर हो गया और डिस्कवर्ड अमेरिका इधर हो गया, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। और जो बचा हुआ है उसको हमको फ्रेजल वर्ब में या फ्रेज में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, अ फेमस सेलर, ये हमारा फ्रेज बन जाएगा। तो पूरा इतने आपको मिला देना है, कोलंबस, अब इसको कॉमन और कॉमा के अंदर रखना है ना, ये रख दिया हमने कोलंबस, फिर कॉमा लगा दिया, अ फेमस इटालियन सेलर, क्योंकि यहाँ पर भी एक शब्द है, कहाँ का सेलर था वो, इटालियन, इटली का सेलर था, तो इटालियन सेलर, फिर कॉमा लगा दिया हमने और जो बच रहा उसको लिख दिया डिस्कवर्ड अमेरिका। तो पूरा मिलाकर क्या हो गया, कोलंबस अ फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस जो इटली का फेमस सेलर है, अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। उसी प्रकार से बी नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जांपल कहता है, कालिदास रोड द शकुंतलम। कालिदास ने शकुंतलम लिखा। ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, वह एक महान पोएट और ड्रामाटिस्ट थे, कवि और नाटककार थे। अब देखो इसको भी कैसे बनाना है, आपको फ्रेजल वर्ब खोजना है। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब बन जाएगा अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। अब देखो, कालिदास शकुंतलम लिखते हैं, कालिदास रोड दी शकुंतलम, ये हो गया। अब आपको फ्रेजल वर्ब ये वाला रखना है, तो हो जाएगा कॉमा और इंटर कॉमा के बीच में इसको रखना है, तो हो जाएगा कालिदास कॉमा अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, फिर कॉमा रोड दी शकुंतलम, ठीक है ना गाइस। अच्छा, यहाँ पर देखिए, आप लोग कुछ लोग कह सकते हैं, नहीं सर, कालिदास रोड दी शकुंतलम कॉमा और लिख सकते हैं अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। तो यहाँ पर एक्चुअल में
जिस विषय में बात की जाती है उसको हम लोग, या जो जो सबसे पावरफुल वर्ड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बीच में रखते हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। तो ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, यहाँ पर सिर्फ शकुंतलम नहीं लिखा, सिर्फ शकुंतलम लिखने से वो महान नहीं हुए, ऐसी अन्य कई रचनाएं थी जिनको लिख करके वो महान हुए थे। इसलिए ये पावरफुल वर्ड यहाँ पर क्या है, ये वाला ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, ये विशेष वर्ड है उनके लिए, कालिदास के लिए, इसलिए हमने इसको फ्रेजल वर्ब में बना दिया है ना। तो पूरा मिलाकर कंबाइन करने पर क्या हो जाएगा, कालिदास अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट रोट दी शकुंतलम, ठीक है ना, ये हो गया गाइस। चलिए अच्छा और एग्जांपल समझते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं, इसे लिखा हुआ सी नंबर के एग्जांपल देखते हैं। सी नंबर के एग्जांपल में लिखा है माय सिस्टर वेंट टू न्यू दिल्ली, माय सिस्टर नई दिल्ली गई, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। अब देखो गाइस इसको पहले हिंदी में समझिए, मेरी सिस्टर न्यू दिल्ली गई और नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ पर देखिए पावरफुल वर्ड जो आपको फ्रेजल वर्ब में फ्रेज में बनाना है, चलिए द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये पावरफुल वर्ड भी है, तो इसको हमको कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के अंदर रखना है, या डबल कॉमा रखें, कॉमा के अंदर रख सकते हैं लास्ट में लिखना है तो। चलिए जैसे हो सकता है माई सिस्टर वेंट टू न्यू दिल्ली, माई सिस्टर वेंट टू न्यू दिल्ली, अब न्यू दिल्ली का है क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, कॉमा लगाकर हम लिख दिया क्या, द कैपिटल ऑफ इंडिया, माई सिस्टर वेंट टू न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस प्रकार से सेपरेट कर लिया इसको। डी नंबर देखिए, मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वॉज ब्लाइंड। अब यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस को आपको जोड़ना है, मिल्टन इंग्लिश के एक महान कवि थे और वो अंधे थे। अब दोनों सेंटेंस जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो आप पहले क्या लिख दोगे, देखो यहाँ पर क्या है, अ फेमस इंग्लिश पोएट, इसको आप फ्रेज बना लीजिए। अब लास्ट में ये और ये बचता है, तो मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट वॉज ब्लाइंड, मिल्टन कॉमा अ फेमस इंग्लिश पोएट वॉज ब्लाइंड, ठीक है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट देख लीजिए एग्जाम्पल, टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, टैगोर गीतांजलि के लेखक थे, ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, वह बंगाल के एक महान कवि थे। अब इनको जोड़ना है, ये ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, ये हो गया आपका फ्रेज। अब बच रहा क्या है, टैगोर और दी ऑथर ऑफ गीतांजलि, तो टैगोर कॉमा अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल वॉज दी ऑथर ऑफ गीतांजलि, या आप इसको बीच में भी कर सकते हो, घबराने की आवश्यकता नहीं, आप इसको लिख सकते हो, टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, इसको इसी तरह लिख सकते हो, या जिस तरह से मैंने लिखा आप उसको उस तरह से लिख सकते हो। तो कहने का तात्पर्य गाइस ये हुआ कि आपको जो सेंटेंस लिखा हो सामने सेपरेट में, उसको हिंदी में अर्थ निकालना है, हिंदी में अर्थ निकालने के बाद हिंदी में ही आपको उसको इस प्रकार से जोड़ना है कि एक ही सेंटेंस बने, अर्थात एक ही मेन वर्ब हो उसमें। अब इसके बाद उसी को हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है, आपका इजली सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अब एग्ज़ाम में इस प्रकार से नहीं आएगा कि आपको उसको जीरंड का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, या फिर पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाना है, या फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके बनाना है, आपको उस तरह एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। उसमें एग्ज़ाम में इस तरह से पूछता है कि आपको इसको सिंपल बनाना है, आपको इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, आपको इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो इसलिए गाइज आपको बहुत परेशान नहीं होना है, आपको किसी भी रूल को इस ढंग से पढ़ना है कि उसके माध्यम से आप सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सको, ठीक है ना। चलिए तो आगे की क्लास हम लोग पढ़ेंगे। अगला हमारा नियम होने वाला है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, अर्थात एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद।